हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल का मेन उद्देश्य क्वालिटी कॉमर्स कंटेंट को आसान भाषा में हर बच्चों तक पहुंचाना है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना न भूलें और कॉमर्स से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे डेप्रिसिएशन चैप्टर का एक क्वेश्चन जो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से है, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। जिन लोगों ने इस रिलेटेड मेथड नहीं देखे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से उसको देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक मशीन 1 अप्रैल 2016 को 95,000 में क्रय की गई। इसके खड़ा करने व लगाने पर 5,000 रुपए खर्च हुआ। मतलब 1 अप्रैल 2016 को एक मशीन 95,000 में खरीदी गई जिसपे 5,000 रुपए खर्च किया गया इसके इंस्टॉलेशन में। स्थायी किस पद्धति से 10% प्रतिवर्ष ह्रास काटते हुए 3 वर्षों के लिए आवश्यक जर्नल लेखे कीजिए तथा मशीन खाता बनाइए। अब यहां पे देखिए, 1 अप्रैल 2016 को मशीन खरीदी गई 95,000 में, 5,000 रुपए इसको लगाने पे खर्च किए गए, तो इस 95,000 में हम 5,000 रुपए हम इंक्लूड कर देंगे, क्योंकि जब कोई मशीन हम खरीदते हैं जब तक उसको इंस्टॉल ना कराएं तब तक वो मशीन कंप्लीट नहीं होता है, उसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। यानी टोटल जो मशीन की कॉस्ट हो जाएगी वो हो जाएगी 1,00,000 रुपए। अब जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज करना है इसी 1,00,000 रुपए पे हमको करना है। तो डेप्रिसिएशन का रेट दिया है 10% का मतलब 1,00,000 का 10%, तो 10% कैलकुलेट करेंगे तो 10,000 रुपीज आएगा। अब ये 10,000 रुपीज स्ट्रेट लाइन मेथड मतलब स्थायी किस्त पद्धति फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से चार्ज करना है। मतलब ये 10,000 जो डेप्रिसिएशन फिक्स कर दिया गया, हर साल 10,000 रुपए ही लगेगा। अब यहां पे देखिए, 3 वर्षों के लिए आवश्यक जर्नल लेखे कीजिए। अब मशीन खाता बनाइए, मतलब जर्नल एंट्री हमको 3 साल तक करना है। तो जब भी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, हम मशीन परचेस करेंगे, जो जर्नल एंट्री बनेगी पहले साल केवल खरीदने वाली एंट्री बनेगी, फिर अगले 2 साल में केवल डेप्रिसिएशन चार्ज करना और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन का अमाउंट ट्रांसफर करने की एंट्री बनेगी। मतलब एंट्री सारी एक जैसी होगी। अब मशीनरी खाता बनाने का आपको हमने फॉर्मेलिटी बताया था, असेट अकाउंट बनाने का लास्ट वीडियो में, जिन लोगों ने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहां से देख सकते हैं, या इस वीडियो को अंत तक देखिए, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो यहां पर कुल 1,00,000 रुपए का मशीन खरीदा गया। कब खरीदा गया? 1 अप्रैल 2016 को, 1 अप्रैल 2016 को 1,00,000 रुपए के एक मशीन खरीदी गई जिसपे डेप्रिसिएशन 10,000 रुपए हर साल चार्ज करना है। अब यहां पे देखते हैं अकाउंट कब क्लोज होता है, मतलब कब बंद किया जाता है। देखिए यहां लिखा गया, यह माना गया कि मशीन अवशिष्ट मूल्य कुछ भी नहीं है, लेखांकन वर्ष 31 मार्च को समाप्त होता है। अवशिष्ट मूल्य मतलब लास्ट में मशीन का कोई भी मूल्य बचा नहीं है, तो उसका कुछ लेना देना यहां फिलहाल है नहीं। लेखांकन वर्ष 31 मार्च मतलब 1 अप्रैल को शुरू होता है, 31 मार्च को खत्म होता है। मतलब 1 अप्रैल अगर 2016 को शुरू होगा तो यह खत्म जो होगा वो 31 मार्च 2017 को होगा। इसको वित्तीय वर्ष बोलते हैं या फिनेंशियल ईयर बोलते हैं। और एक जो होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, ये कैलेंडर ईयर होता है। ये क्वेश्चन में मेंशन करेगा, तो यहां पे जैसे दिया 31 मार्च को, तो हर साल अकाउंट जो है 31 मार्च को हम क्लोज करेंगे। चलिए अब जनरल एंट्री देखते हैं, उसके लिए हम इसको रिमूव करते हैं। जनरल एंट्री भी मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख सकते हैं जिन लोगों ने नहीं देखा। देखिए एक कॉलम बन जाएगा डेट का, एक बन जाएगा पर्टिकुलर का, एक यहां पे अलग बना सकते हैं और एक अमाउंट डेबिट क्रेडिट। डेट, पर्टिकुलर्स, अलग, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। अब यहां पे देखिए 1 अप्रैल 2016 को 95,000 की मशीन खरीदी गई, 5,000 रुपए उसमें खर्च किया गया। डेट यहां पे डाल देंगे हम 2016 अप्रैल 1। मशीनरी जब खरीदते हैं तो हमारे बिजनेस में मशीनरी आएगी, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट,
टू यहां पे हम लिख सकते हैं बैंक अकाउंट, क्योंकि हम पेमेंट बैंक से ही करेंगे। अब इसमें नरेशन भी लिख सकते हैं, जैसे नरेशन लास्ट वीडियो हमने बताया था, शुरुआत की वीडियो में जो जनरल एंट्री पढ़ा रहे थे, तो वहां से आप देख सकते हैं, यहां भी लिख देते हैं, यहां लिख सकते हैं बीइंग मशीनरी परचेज्ड, ये अमाउंट जो होगा वो 1,00,000 रुपए होगा। मतलब आप अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन यहां ऐड करके भी किया जा सकता है, इसलिए क्योंकि हमें इस पूरी वैल्यू पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। अब हमने मशीन खरीद ली, अब इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो एंड ऑफ द ईयर, मतलब 31 मार्च को क्लोज होता है, तो 31 मार्च को ही चार्ज करेंगे 2017 मार्च 31st, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि अप्रैल में खरीदा गया, मार्च में हम इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे पूरे एक साल का, यानी 10,000 रुपए, जैसा कि अभी पहले बताया आपको। तो एंट्री जो बनेगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट पे चार्ज कर रहे हैं, जिस असेट पे उसका नाम लिखेंगे मशीनरी अकाउंट। नरेशन लिख सकते हैं बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज, नरेश अब यहां पे अमाउंट जो है वो 10,000 रुपए डेप्रिसिएशन का होगा। अब इस डेप्रिसिएशन को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज करेंगे, ये तो डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री हो गई। जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम चार्ज करेंगे तो एंट्री यहां पे बन जाएगी सेम डेट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसका जो नरेशन हो जाएगा वो नरेशन हो जाएगा बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज चार्ज टू पीएल अकाउंट अमाउंट 10,000। अब ये जो एंट्री होती है, ये एंट्री हमारी हर साल होगी, केवल ये वाली एंट्री केवल एक ही बार होगी, क्योंकि एक ही बार मशीन खरीद रहे हैं। तो 2017 में, 2018 में और 2019 में सेम एंट्री यही होगी 31 मार्च को, मतलब 17 पे हुआ, एक 18 हो गया, एक 19, सेम ये तीनों दोनों एंट्री जो है, ये वाली ये दोनों एंट्री हर साल होगी, मतलब 2018 में भी होगी, 2019 में भी होगी, और ये एंट्री केवल एक ही बार होगी, क्योंकि एक बार हम मशीन को खरीदेंगे, लेकिन डेप्रिसिएशन उस पर हर साल चार्ज किया जाएगा। ये तो था जर्नल एंट्री। अब हम बनाते हैं मशीन अकाउंट, मतलब मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट जब बनाएंगे तो वहां पे इसी को हम पोस्ट करेंगे, और मशीनरी अकाउंट बनाने का प्रोसेस क्या होता है चलिए हम लोग देखते हैं। वहां भी 3 साल का अकाउंट बनाना है, तो वहां पे कुछ बैलेंसेस बचेंगे, जैसे यहां जनरल एंट्री में बैलेंस तो शो करते नहीं है, केवल जनरल एंट्री बना दी है, अब अकाउंट में हमको बैलेंस भी मिलेंगे, तो उसके लिए हम इसको रिमूव करते हैं, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। चलिए हम मशीनरी अकाउंट देखते हैं। अब जनरल एंट्री से ही पोस्ट किया जा सकता है, या सिंपल वे में भी आप समझ सकते हैं। चलिए जब मशीनरी अकाउंट बनाएंगे तो यहां लिख लेंगे हम मशीनरी अकाउंट, वो लेजर का फॉर्मेट होता है वही होता है, यहां पे डेट पर्टिकुलर्स, जेएफ की यहां जरूरत नहीं होती है, अगर चाहें तो आप बना भी सकते हैं, कोई जरूरी नहीं होता है, अमाउंट डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये था लेजर का फॉर्मेट। अब यहां पे हम देखेंगे मशीनरी अकाउंट कैसे बनाया जाएगा। देखिए जब मशीनरी को हम खरीदते हैं तो इधर लिखते हैं टू बैंक, तो मशीनरी हमने खरीदा कितने का, 95,000 प्लस 5,000 का, मतलब 1,00,000 रुपए का मशीनरी हमने खरीदा। अब कब खरीदा, यहां डेट भी डाल देते हैं 2016 अप्रैल 1st। अब इस पे जो भी डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे वो एंड ऑफ द ईयर करेंगे, जब अकाउंट क्लोज होता है, तो अकाउंट क्लोज हमारा 31 मार्च को हो रहा है, तो इधर लिखेंगे 2017 मार्च 31st बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये 10,000 रुपीज डेप्रिसिएशन होगा। देखिए अभी इसके पहले हम जनरल एंट्री बताया आपको,
आप बैक करके देख सकते हैं उसको। वहां पे एंट्री बनी थी पहले 1 अप्रैल 2016 को मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो जब मशीनरी अकाउंट बना तो वहां पोस्टिंग हुआ टू बैंक, और उसके बाद जब डेप्रिसिएशन चार्ज की तो एंट्री बनी डेप्रिसिएशन डेबिट टू मशीनरी, तो यहां पे हमने पोस्ट किया बाय डेप्रिसिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब हमने डेप्रिसिएशन का अमाउंट ट्रांसफर किया है तो वो यहां पोस्ट नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन मशीनरी वहां था ही नहीं। अब इसको हम करेंगे क्लोज। क्लोज करने का मतलब जब खाते को बंद करेंगे तो आमने सामने हम इक्वल करेंगे। यहां देखिए 1,00,000 लिख दिया गया, मतलब जो बड़ा अमाउंट है दोनों तरफ लिख दीजिए। अब जिधर कम है, जैसे कि ये 1,00,000 है, यहां 1,00,000 तो है ही ऊपर, लेकिन डेप्रिसिएशन केवल 10,090 बच रहा है, तो उसको हम डाल देंगे लास्ट डे ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द ईयर, जो जिस तारीख को डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं हम, बाई बैलेंस सीडी, ये बच गया 90,000, मतलब इस 1,00,000 में से 10,000 को माइनस किया। अब ये बैलेंस हमारा नेक्स्ट ईयर आ जाएगा 2017 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी, ये कैरेट डाउन या ब्रॉड डाउन 90,000 रुपीज। अब यहां पे क्या करेंगे हम, फिर वही प्रोसेस डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, क्योंकि हमें कुल 3 साल का खाता बनाना है, 3 वर्षों का, देखिए यहां लिखा है ना। तो एंड ऑफ द ईयर जब हम अकाउंट क्लोज करते हैं, यहां 2018 में क्लोज होगा March 31st बाई डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन सेम 10,000 ही होगा, क्योंकि ये जो मेथड है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, मतलब कि स्थायी किस्त पद्धति है, तो यहां 10,000 ही डेप्रिसिएशन हर साल लगेगा। अब इसको हम क्लोज करते हैं, सेम प्रोसेस क्लोज करने का, टोटल 90,000 है, 90,000 यहां भी लिखेंगे। अब बैलेंस जो होगा उसको लिख देंगे इसी डेट को जिस तारीख को डेप्रिसिएशन लगाते हैं, बाय बैलेंस सीडी, बच गया यहां पे 80,000। अब ये बैलेंस हमारा आ जाएगा 2018 में, यहां देखिए 18 है ये, 2018 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी, यहां पे जो अमाउंट होगा वो बैलेंस वाला आ गया, ब्रॉड डाउन हो गया 80,000। फिर देखिए अब क्लोज अकाउंट जब क्लोज करेंगे हम कब, 19 में करेंगे, 2019 मार्च 31st बाई डेप्रिसिएशन, वही 10,000 रुपए। क्लोज करते हैं अकाउंट हम, 80,000 ये हो गया, यहां भी लिखेंगे जिस तारीख को डेप्रिसिएशन लगा उसको बैलेंस कर देंगे बाई बैलेंस सीडी, बचा कितना 70,000। अब ये बैलेंस हमारा आ जाएगा 2019 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी। ये था कंप्लीट क्वेश्चन। जब यहां पे डेप्रिसिएशन फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से चार्ज करेंगे, तो यहां पे 3 साल का खाता बनाने के लिए बोला था क्वेश्चन में, देखिए यहां बोला था ना 3 वर्षों के लिए आवश्यक जनरल प्रविष्टियां कीजिए तथा मशीन खाता बनाएंगे। देखिए पहला साल ये बन गया, दूसरा साल ये, तीसरा साल ये कंप्लीट क्वेश्चन है। अकाउंट मशीनरी या किसी भी असेट का अकाउंट किसी तरह बनता है। हाँ, पहले साल टू बैंक लिखेंगे, इसमें परिवर्तन तभी होगा जब वर्ष के दौरान ड्यूरिंग द ईयर कोई भी मशीनरी परचेज होगी या सेल होगी, अगर नहीं होती है तो हर साल बाय डेप्रिसिएशन टू बैलेंस, बाय डेप्रिसिएशन बैलेंस जो आएगा कैरी डाउन करेंगे वही ब्रॉड डाउन होगा। तो ये तो था मशीनरी अकाउंट, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंच सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।